जागो ग्राहक जागो मुहिम के तहत हिमाचल के हमीरपुर जिला प्रशासन ने बढ़िया काम करने वाले डिपो धारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित किया है। इस मौके पर हमीरपुर जिला के करीब एक दर्जन डिपो धारकों को उपायुक्त राकेश प्रजापति ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। यहाँ पर सभी जो डिपो होल्डर्स हैं, जिन लोगों को भी ये पुरस्कार मिला, मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो बाकी डिपो होल्डर्स भी हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह से आगे बढ़े और बढ़िया काम करे। जैसे बताया गया कि जो हमारे बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन है, वो उनकी जो परसेंटेज वो बढ़ी है। इससे बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो लीकेज है वो कम होगा हमारा, और लीकेज कम करना। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी मेरे ख्याल से, मैं भी जब इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो सबसे बड़ा जो डिबेट पूरे भारतवर्ष में था वो ये था कि क्या हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए या स्टिल जो हमारे जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ठीक है, जो भी आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से चीज़ों सस्ती दरों पे चीज़ें लोगों को जा रही हैं, उसकी आज भी आवश्यकता है। अगर डायरेक्टली सरकार पूरा जो पैसा है लोगों के खाते में डालना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ग हैं जो प्रभावित होंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर यही आपके फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिनके माध्यम से कई परिवार चल रहे होते हैं। अगर यही पैसा अगर डायरेक्टली हम उनके अकाउंट में डाल देते, तो हो सकता था कि लोग शराब में या अन्य जगहों पे पैसे को वेस्ट कर देते। तो आज भी ये सिस्टम बरकरार है और ये सिस्टम आगे भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये मुद्दा है जिसके ऊपर जितना भी डिस्कशन हो जाए, अंततः बात वहीं आगे रुकेगी कि ये सिस्टम रहना चाहिए। जो पीडीएस हमारी प्रणाली है, ये एज इट इज रहनी पड़ेगी। जी, आज मेरे को जो अवार्ड मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो सरकार ने डिजिटल मशीन का जो काम चलाया हुआ है उसमें हमने अच्छा काम किया, इसलिए प्रशासन ने हमें सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आगे कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा काम करूँ।